हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का चौथे पार्ट की वीडियो में। आई होप आप लोगों ने थर्ड पार्ट तक कंप्लीट कर लिया होगा, जहां तक हमने आपको शीट को जो है प्रिपेयर करने के लिए जो भी गाइडेंस दिया हुआ है। ये जो हमारा ट्यूटोरियल था थर्ड वाला, यहां तक की शीट जिसकी भी कंप्लीट हो गई है वो लोग इस पार्ट को कंटिन्यू करें। अगर आप पहली बार डायरेक्ट यहाँ पर जम किए हैं तो उसके पहले आप तीनों पार्ट जो है रेडी कर लो, क्योंकि आपको शीट प्रिपेयर करने के लिए बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट करना होगा। तो आइए अब आगे जो है बढ़ाते हैं। बट इस शीट को जो है अपडेट करने के कुछ दिनों के बाद ऐसा लगा कि शायद आप लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 139 जो है लोगों ने इसको देखा, यूज किया, बट महज 21 लोगों ने जो है लाइक किया। तो ये लाइक ये बता रहा है कि काफ़ी लोग नॉट इंटरेस्टेड हैं, या तो उनके यूज की नहीं है, हो सकता है उनके लिए यूज की ना हो। बट हमारे हिसाब से और हमारी नज़र से ये है, ये जो शीट है मार्केट का जो है ना, अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो दिस इज गॉड फॉर यू। ये आपको एग्जैक्टली ये बताता है कि यहाँ से जो मार्केट है वो किस साइड जाने वाला है, यहाँ पे पोजीशन क्या बन रही है। और जितने भी बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, इवन जो आप मीडिया में जो देखते हो, जो आते हैं, वो सारे लोग इस शीट को यूज करते हैं। तो अब कितनी इंपॉर्टेंस आपने दिया है मुझे नहीं पता, जिसने दिया है वो डेफिनेटली इसको एंजॉय करेगा। तो आइए आगे बढ़ाते हैं। अगर लगेगा कि वर्क जेन्युइन है तो लाइक कर दीजिएगा, और बाकी जो लोग नहीं कर रहे उनसे कोई शिकायत नहीं है, जस्ट देखिए एंड एंजॉय कीजिए। शायद आपको इस मेहनत की जो कद्र है वो ना हो, इसलिए आपने लाइक नहीं किया, बट नो प्रॉब्लम, वी हैव नो गिल्ट कि हमने इसको अपडेट किया। हो सकता है किसी और नेडी पर्सन के पास हम कल पहुंच जाएं जिसके पास हम आज नहीं पहुंचे, और उसका अप्रिसिएशन भी मिलेगा और उसका लाइक भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो है सेशन को, और सीखते हैं कि कैसे हम इस शीट को आगे बढ़ाएंगे। तो लास्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने जो है ऊपर जो है अपने प्राइस को ऑटोमेट कर लिया था, हमारी प्राइस जो है ऊपर आ रही थी। अब हमें यहाँ से एक्जेक्टली क्या करना है कि हमें अपने डेट को जो है डायनामिक बनाना है। उसके लिए आपको ऊपर A2 में लिखना है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट लिखने के बाद नेक्स्ट वाले सेल में आके आपको लिखना है डेट। अब चूंकि ये मैंने ओल्ड में बनाई थी तो मैंने ओल्ड की डेट डाली थी, आप आज बना रहे हो तो आप अपना आज के एक्सपायरी से डेट डालना। अभी जो नेक्स्ट एक्सपायरी है 21 है, 24 है, जो भी है आपकी करंट जो कमिंग एक्सपायरी आ रही है, 21 की जो एक्सपायरी है तो आप वहाँ पे 21 का ही डेट डालना, और जिस फॉर्मेट में मैं डाल रहा हूँ उसी हिसाब से डालना। तो यहाँ पे मैंने आपने देखा है कि 3 मार्च 2022 किया है, आप उसी तरीके से 21 अप्रैल 2022 करना। अब इसके बाद हम चूंकि इस डेट को जो है डायनामिक करने वाले हैं, सो डेट हमारा डेट जो है हमारा ऑटोमेटिक तरीके से चेंज हो। अभी यहाँ देखिए, जब आप सेल पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा, आपने सेलेक्ट किया तो 3 मार्च आ गया। अब ये अकॉर्डिंग टू 3 मार्च आपके सामने डेटा दिख रहा है। अब हमें इसमें क्या करना है, ये जो लिंक है आप अपने A7 को जो है चेक इन कीजिए, उसको सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि लिंक हमारा इसी में है। उस लिंक के ऊपर देखिए यहाँ से डेट है 2022 से लेके 31 मार्च डेट तक, ठीक है। इसको आप सेलेक्ट करके और सिंपली इसको यहाँ से आप हटा दीजिए, इसको यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट के बाद टाइप कीजिए एंड टेक्स्ट TEXT ओपन ब्रैकेट B2 डबल यूनिट गामा ईयर 4 टाइम, इसके बाद माइनस वाला सिंबल लगाना है, मंथ मंथ, उसके बाद अगेन माइनस वाला सिंबल, उसके बाद DD डे डे एंड डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज, इसके बाद क्लोज ब्रैकेट एंड डैश। डैश लगाने के बाद ये जो भी चीज़ें मैंने यहाँ से सेलेक्ट की है, आप बिल्कुल ऐसे ही सेलेक्ट करके यहाँ से ऑप्शन ऑप्टी इंडेक्स लिखा हुआ है कॉल 17650 ट्रू तक, जो कि इन्वर्टेड कॉमा डैश तक है, आप पूरा इसी तरीके से इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद आप जिस हिसाब से देखा आपने जो भी फाइनल यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल आप हूबहू ऐसे ही रख के एंड इंटर की प्रेस कर दीजिए। आप इसको रोक के देख सकते हैं क्या है फाइनली। जैसे ही आप यहाँ पे इसको इंटर की प्रेस करोगे, आपके सामने ये ऑटोमेटिक डेट जो है डायनेमिक अब हो चुका है। अभी इसको आप क्लिक करोगे और जिस डेट को आप सेलेक्ट करोगे उसका डेटा लोड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं उस समय 10 मार्च का डेटा चेक किया, सामने देख सकते हैं 10 मार्च का डेटा जो है अपडेट हो चुका है। अभी सिंपल इसको आप कॉपी कीजिए और अपने बैंक निफ्टी डेटा वाले शीट में आके सेम A2 के सेल में पेस्ट कर दीजिए, अगेन वहाँ पे सेम चीज आ जाएगी। अभी हमें यहाँ पे चेक करना है कि जो हमारा लिंक है वो किस हिसाब से है। तो आप लिंक में देख रहे हो सेम वही डेट दिख रहा है 23-22 वाला, इसको हमें टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखना है। तो इसको यहाँ से 2022 जो स्लैश के बाद से जो ईयर है वहाँ से कॉपी कीजिए
एंड वहां से डायरेक्ट टाइप करना स्टार्ट कीजिए या पहले डिलीट कर दीजिए। आप यहाँ पे टाइप कीजिए डबल इंडो कामा में टेक्स्ट ओपन ब्रैकेट B2 कॉमा डबल इंडो कामा ईयर ईयर 4 times माइनस वाला सिंबल, मंथ मंथ 2 times अगेन माइनस वाला सिंबल, अगेन टाइप कीजिए DD डे डे, उसको क्लोज कीजिए डबल इंडो कामा से क्लोज ब्रैकेट डैश, और उसके बाद ये यहाँ तक आप पूरा डिलीट कर दीजिए। आप इसको ट्रू का जो कॉलम डबल इंडो कामा जो लगा हुआ है सब कुछ डिलीट कर दीजिए। लास्ट में रहेगा आपके डबल इंडो कामा में टेबल एंड इंटर की प्रेस कर दीजिए। एग्जैक्ट आप देख सकते हैं सामने, कुछ समय के लिए एरर दिखाएगा, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि यहाँ पे एरर है, जब तक डेटा नहीं आता है तो वो एरर ही देगा। अब देखिए ये जो है डायनामिक हो चुका है, अभी आपका जो है डेटा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको चेक कर लीजिए। तो सिंपली है नेक्स्ट एक्सपायरी को चेक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता दूँ, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी एक्सपायरी होती है वो ऑड डे में होती है। ऑड डे बोले तो गुरुवार को अगर कोई हॉलीडे है तो बुधवार को होगा। तो पहले आप एक्सचेंज पे जाके एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि जो हमारी एक्सपायरी है इस वीक की किस दिन को है। अभी जैसे लास्ट वाली जो एक्सपायरी थी वो बुधवार को थी, तो वहाँ पे 14 के जगह पे 13 था। तो आप जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर वो एक्सपायरी नहीं सेलेक्ट होगी तो डेटा लोड नहीं होगा, तो आपको लगेगा कहीं सीट में दिक्कत आ गई। ये फ्यूचर के लिए मैं बता रहा हूँ, तो वहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप जाइए एक्सचेंज पे, डेट चेक कीजिए किस दिन जो है एक्सपायरी मुकम्मल की गई है, फाइनल किया गया है, और उसको सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि सीधे जो है फॉर्मेटिंग करने के बाद बैंक निफ्टी वाले डैशबोर्ड शीट पे आइए, और जो हम लोगों ने ये प्राइस का ऑटोमेट किया था ना गूगल फाइनेंस से, इसको अभी ज़रूरत नहीं है, अभी फिलहाल में हम लोग डिलीट करेंगे, फिर बाद में इसको लेके आएंगे। तो इसको सिंपली जो है सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करके जो है डिलीट बटन को प्रेस कर दीजिए, तो ये जो भी सारा चीज़ हमारा है डिलीट हो जाएगा। आप इस पूरे रो को भी सेलेक्ट करके क्लियर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं एज यू विश, कैसे भी आप इसको डिलीट कर दीजिए। हमारा मेन क्या है कि इसको यहाँ से हटा देना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वाइट कर लेना है। तो जो मैं फॉर्मेट यूज़ कर रहा हूँ वो भी आप यूज करके सिंपली कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे 3 रो इंसर्ट कराइए एक साथ, एंड 3 रो इंसर्ट कराने के बाद हमारी जो टोटल रो हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। 3 रो इंसर्ट कराने के बाद हमारी जो टोटल रो होगी वो 6 रो हो जाएगी, 6 रो हो जाएगी। अभी इसके बाद हमें कुछ और रो इंटर कराने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप जो है यहाँ पे 5 रो और इंटर करा दो। टोटली आप 5 रो इंटर कराने के बाद इसके बाद आप स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करो और इसको भी जो है बॉर्डर में लेके आ जाओ। तो टोटल हमारे ऊपर से जो है 1 to 12 तक रो हो जाएंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें कॉलम भी इंसर्ट कराने हैं, दोनों साइड 5-5 कॉलम जो है इंसर्ट कराने हैं हमें, ठीक है। तो सिंगल बाई सिंगल करके हम इसमें जो है कॉलम इंसर्ट कराते हैं, 5 कॉलम कॉल साइड में एंड 5 जो है पुट साइड में आप इंसर्ट कराएंगे। ये 5 कॉलम जो है इंसर्ट कराने के बाद हमें इन 5 कॉलम का जो है नाम देना है। तो जैसे मैं स्क्रीन पे जो भी कुछ लिख रहा हूँ आप देखते हुए फॉलो कीजिए, और मेक श्योर डेट कि जहाँ पे मैं जो चीज़ टाइप कर रहा हूँ वहीं पे कीजिएगा। तो सबसे स्टार्टिंग में आप लिखिए एक्शन, इसके बाद आप यहाँ पे जो है टाइप कीजिए ट्रेंड, ट्रेंड के बाद आप टाइप कीजिए इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन के बाद आप टाइप कीजिए OI चेंज, OI चेंज के बाद आप टाइप कीजिए प्राइस चेंज। अब ये जो चीजें हमने इधर टाइप की है कॉल साइड में, ये सारी चीजें हमारी पुट साइड में होगी, ठीक है। इसकी थोड़ी सी पहले फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, जो भी आपका डिजायर कलर हो आप दे सकते हो। स्ट्राइक प्राइस का जो कॉलम है आप इसको कलर कर दो, येलो से कर दो, क्योंकि फिक्स कलर रहेगा इसका। स्ट्राइक प्राइस है क्योंकि सिंबल जो है येलो कलर ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर अगेन जो है राइट साइड पुट साइड में भी आपको जो है 5 जो है यहाँ पे कॉलम जो है इंसर्ट कराने हैं, कम्प्लीटली 5 कॉलम होने चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो है जितने भी कॉलम हमें चाहिए उतने आप इंसर्ट करा लीजिए। तो 5 हमें इंसर्ट कराने हैं, 5 काउंट कर लीजिए, 5 हो चुके हैं। अब इनका भी जो है नामनीकरण जो है स्टार्ट कीजिए, इनको भी जो है नेम देना स्टार्ट कीजिए। सिंपल है, लेफ्ट से कॉपी करके राइट में पेस्ट करते जाइए जैसे मैंने किया हुआ है, स्क्रीन को देख के फॉलो कीजिए।
अभी ये सारा कुछ हमारा पुट साइड भी हो चुका है, एक्शन चेंज, प्राइस चेंज, जो आई चेंज, जो भी हमारा करना था। यहाँ पे ऊपर जो है आप एक रो लगा के जो है, या ऊपर जो है सिंपली सेलेक्ट करके आप टाइप कीजिए वहाँ पे इक्वल टू अपर ओपन ब्रैकेट डबल निफ्टी कॉमा बैंक निफ्टी स्पेस वीकली स्पेस एक्सपायरी एज ऑन डबल निफ्टी कॉमा एंड टेक्स्ट ओपन ब्रैकेट बैंक निफ्टी अंडरस्कोर डेटा एक्सक्लेमेशन का सिंबल B2 आएगा। सिंपली आप बैंक निफ्टी डेटा में जाके B2 को सिलेक्ट कर लीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद आपको टाइप करना है डबल इन कॉमा में डे डे डी डी माइनस वाला सिंबल मंथ मंथ माइनस वाला सिंबल ईयर ईयर 4 टाइम डबल इन कॉमा क्लोज एंड आपको लगाना है क्लोज ब्रैकेट और उसके बाद इंटर की प्रेस कर दीजिए। तो ये आपके सामने ऊपर लिख के आ जाएगा बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी एज ऑन 3 मार्च 2022। एंड कई बार जो है आपको वहाँ दिखाई नहीं देगा कि यहाँ पे कुछ लिखा है कि नहीं, चूंकि आपका जो कलर है बाय डिफॉल्ट वाइट सेलेक्ट होता है और सीट भी वाइट है, तो उसको आप सिंपली ब्लैक कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर कर दीजिएगा, तब जाके वो जो लिखा है ना रिटेन, आपने जो वर्ड्स आपने लिखे हैं वो दिखाई देगा, जो रिटेन वर्क है वो फिर शो होने लगेगा। अब यहाँ से इसको एडजस्ट करके सेंटर में कर दीजिए। दिस इज जस्ट ओनली फॉर फॉर्मेटिंग, ठीक है, जस्ट डेकोरेशन के लिए हम करते हैं। बाकी आप इसको एक कलर को जो है चेंज करके देख लीजिए, जो आपको सुटेबल लगे उसको आप लॉक कर दीजिए। सेम चीज़ जो है आप उसी तरीके से हूबहू बिल्कुल जो है निफ्टी में भी करेंगे। अब इसके डेट को चेंज करके देखिए एक बार, तो अभी जैसे मैंने चेंज किया वहाँ पे 10th, तो यहाँ पे देखिए ऊपर ऑटोमेटिक में चेंज हो रहा है कि बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी एज ऑन 10th मार्च। इसको चेंज करके जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये डायनामिक है और ये बनना बहुत ज़रूरी है। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप जरूर जरूर जो पूछ सकते हैं, एंड व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज ना करें प्लीज़, रिक्वेस्ट रहेगी, मैं सबके रिप्लाई व्हाट्सएप पे नहीं दे सकता। तो जो फोरम है वहीं पे जो है कमेंट कीजिए, वहीं पे क्वेश्चन कीजिए। अब आइए आगे के वर्क को जो है आगे बढ़ाते हैं। ये प्राइस वाला जो फॉर्मूला है इसका जो स्क्रीन है वो आपके सामने दिखेगा नहीं लास्ट तक, तो थोड़ा सा ध्यान से जो है टाइप कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आपको टाइप करना है इक्वल टू इफ़ ओपन ब्रैकेट K15, K15 बोले तो जो नेट चेंज का ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला जो सेल है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद होगा ग्रेटर देन 0 कॉमा के बाद लिखिए डबल इन कॉमा में अप एंड डबल इन कॉमा क्लोज, अगेन जो है डैश लगाइए। इसके बाद टाइप कीजिए इफ़, अगेन जो है यहाँ पे ओपन ब्रैकेट कीजिए एंड अगेन टाइप कीजिए K15, इसके बाद जो है लेस देन 0 कॉमा लगाइए, अगेन डबल इन कॉमा में लिखिए डाउन, डबल इन कॉमा क्लोज, टैस लगाइए एंड डबल इन कॉमा 2 बार, इसके बाद डबल जो है ब्रैकेट क्लोज वाला एंड अगेन जाके जो है इंटर की प्रेस कर दीजिए। जैसे इंटर की प्रेस करेंगे आपके सामने ऑटोमेटिक फिलिंग वाला आ जाएगा, उसको चेक इन कर दीजिएगा ताकि डायरेक्टली जो है सारा कुछ जो है नीचे टाइप होके आ जाएगा। ऑटोमेट सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके सामने अप डाउन ऐसे करके शो होगा, उसको आप फाइनली ओके कर लीजिएगा। अगर किसी को दिक्कत होगी तो जो नेक्स्ट वाला हम लोग कॉलम जो सेलेक्ट करेंगे OI चेंज जिसमें टाइप करेंगे उसको भी देख के समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको जो है अवेलेबिलिटी मिलेगी सामने देखने के लिए। बट यहाँ वाला जो है चूँकि लास्ट पार्ट था तो मे बी कहीं मिस्टेक से जो है कट गया, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज कीजिएगा। इसके बाद सेम इसी चीज़ को कॉपी कीजिए और OI में पेस्ट कर दीजिए। अब चूँकि OI में पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको नेट चेंज जो है ना OI से लेना होगा, चेंज इन OI से, तो हमें सिर्फ क्या करना है कि K को रिप्लेस करना है I से। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, चूँकि ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं तो ये आपको गूगल नोट में नहीं मिलेंगे, आपको डायरेक्ट चेक करके सामने से स्क्रीन से टाइप करना है, ठीक है, टाइप करना है। जितना स्पेस रखा है उतना स्पेस रखिएगा, स्क्रीन पे देख के आपको समझ में आ जाएगा कितना स्पेस है। जो भी चीज़ें हैं अगर कहीं कुछ मिस हो गई कि यहाँ पे डबल स्पेस है तो उसको आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर कुछ गलत होगा तो वहाँ पे इरर आएगा, तो सिंपली आप उसको देखे सॉल्व कीजिए, ठीक है। वैसे सारी चीज़ें हमने उसको कवर करने की कोशिश की है।
ओके, इसके बाद जो इंटरप्रिटेशन का फॉर्मूला है वो चूंकि काफ़ी बड़ा है और मे बी आप कहीं गलत कर सकते हैं, तो वो फॉर्मूला आपको गूगल नोट में मिल जाएगा। आप सिंपली उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। अगर आपकी रो कॉलम चेंज है तो उसको देख के अकॉर्डिंगली अल्फाबेटिकली चेंज कर दीजिएगा। और जैसे ही आप फिल करेंगे आपके सामने ऑटो फिल सजेस्ट आएगा, उसको ओके कर दीजिएगा। इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट जो है चेंज करना है ट्रेंड में, उसके पहले आप इसकी फॉर्मेटिंग कर लीजिए अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग। एंड जब आप ट्रेंड में आएंगे तो ट्रेंड में आपको जो है जो भी चीज़ें टाइप करनी है वो स्क्रीन पर जो है फॉर्मूले जो मैंने लिखे हैं उसको देख के आप टाइप कीजिए। इक्वल टू इफ़ ओपन ब्रैकेट और इसके बाद अगेन ओपन ब्रैकेट E15 इक्वल टू डबल इंटू कॉमा में लिखिए लॉन्ग लिक्विडेशन डबल इंटू कॉमा क्लोज डैश E15 इक्वल टू डबल इंटू कॉमा शॉर्ट बिल्डअप डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज क्लोज ब्रैकेट डैश इसके बाद डबल इंटू कॉमा के अंदर लिखिए बेयरिश एंड क्लोज करके डैश लगाइए। इसके बाद लिखिए इफ ओपन ब्रैकेट और अगेन ओपन ब्रैकेट अगेन डबल इंटू कॉमा इसके बाद लिखिए लॉन्ग बिल्डअप डबल इंटू कॉमा क्लोज डैश E15 इक्वल टू डबल इन्वर्ट कॉमा में लिखिए शॉर्ट कवरिंग एंड डबल इंटू कॉमा क्लोज क्लोज ब्रैकेट अगेन डैश लगाइए। डैश लगा के डबल इन्वर्ट कॉमा में लिखिए बुलिश उसके बाद डैश लगाइए। टू टाइम डबल इन्वर्टेड कॉमा लगेगा एंड टू टाइम जो है क्लोज ब्रैकेट लगेगा। उसके बाद इंटर की प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो ट्रेंड होगा वो लिख के आ जाएगा बेयरिश बुलिश। जहाँ पे हैशटैग के साथ वैल्यू आएगा और रेड का एक छोटा सा सिंबल होगा उस सेल के कोने में टॉप पे, तो उससे जो है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग डेटा यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसीलिए वैल्यू लिख के आएगा। एक्सक्लेमेशन का सिंबल लगा हुआ मतलब उसको डाउट है, संदेह है कि हमें यहाँ पे वैल्यू नहीं मिल रही है, तो मैं यहाँ पे क्या ट्रेंड लूँ। ठीक है, जहाँ पे ट्रेंड क्लियर होगा उसी आपको सेल में दिखाई देगा कि बेयरिश है कि बुलिश है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग एक्शन में लिखते हैं एक्शन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे टाइप कीजिए इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट D15 D15 के लिए जो D के सामने 15 है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा सिंपल, ये चूंकि मैंने कई बार बताया हुआ तो सिंपली इसको फॉलो करना है। इक्वल टू डबल इंटू कॉमा में लिखिए बेयरिश, ये आप चाहें तो डायरेक्ट लिख भी सकते हैं कि इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट D15 इक्वल टू डबल इंटू कॉमा में लिखिए बेयरिश उसके बाद डैश लगाइए फिर डबल इंटू कॉमा लगाइए कॉल कॉल और सेल के बीच में एक स्पेस है अगेन डबल इंटू कॉमा डैश इफ अगेन ओपन ब्रैकेट D15 इक्वल टू डबल इन्वर्ट का मामा लिखिए बुलिश बुलिश के बाद जो है टाइप कीजिए डैश डैश के बाद आप टाइप कीजिए डबल इन्वर्ट कामा एंड लिखिए कॉल बाय डबल इन्वर्ट कामा क्लोज क्लोज ब्रैकेट के पहले दो बार जो है डबल इन्वर्ट कामा जरूर लगाइएगा एंड दो क्लोज ब्रैकेट होंगे, उसके बाद इंटर की प्रेस कर दीजिए। जैसे इंटर की प्रेस करेंगे ऑटो फिल सजेस्ट आएगा, चेक कर दीजिएगा ओके हो जाएगा। तो जितने कॉल साइड के जो एक्शन थे जो डेटा जो चेंज हो रहे थे फॉर्मूला था उसको हम लोगों ने चेंज कर लिया बैंक निफ्टी में। ठीक है, और यहाँ तक करने के बाद आप इसकी फॉर्मेटिंग कर लीजिए। फॉर्मेटिंग करने के बाद इसकी यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए सिंपली आप जो है स्क्रीन को देखिए एंड उसको उसी तरीके से फॉलो कर दीजिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अभी तक हम लोगों ने कई बार की है तो यहाँ पे किसी भी डाउट की जो है कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है हमने, आप सिंपली स्क्रीन को देख के कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि जहाँ पे भी कुछ चीज़ चेंज हो रही है वो ऑटोमेटिक वहाँ पे शो हो। ठीक है, सो सिंपली आप इसको देखते हुए एंड कंटिन्यू कीजिए।
ओके, तो होप आप लोगों ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर ली होगी, कॉल साइड का जो भी फॉर्मूला है वो आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब ये जो सेशन है वो लंबा ना हो, इसलिए हम लोग यहीं पे जो है आज इसको पॉज करेंगे एंड नेक्स्ट जो जर्नी है वो अगले पार्ट में जो है शुरू करेंगे। आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और बिना किसी रीजन के तो कोई कमेंट करता नहीं है, तो अप्रिसिएशन के लिए आप कमेंट दे सकते हैं। और गाइस, अगर लग रहा है कि यस मेहनत जो अप्रिशिएबल है, और अगर आपको लग रहा है कि शीट को बनाने में मेहनत लग रही है, तो लाइक तो अपने दे दीजिएगा। उम्मीद है आपने जो है शीट जो है सही से बनाई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।